क्वेश्चन 19 चैप्टर ईएम वेव से बच्चों, किसी वेव का कंप्लीट डायरेक्शन शो कर दिया इसने कि आई पे चल रहा होगा, फिर इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोला है प्लस वाई पे है, और बाद में बोला है कि डायरेक्शन बताओ मैग्नेटिक फील्ड का किधर होना चाहिए। तो इसको ऐसे समझ लो कि एक ऑर्थोगोनल डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे अपन ने एक्स लिखा है, प्लस में वाई है, प्लस लिख देता हूँ यहाँ पे भी, और ये हो जाएगा प्लस में जेड। अगर अपन ने वेव को इस तरह से समझ लिया है बच्चों कि ये ईएम वेव का डायरेक्शन है और इसकी स्पीड कंप्लीटली आई पर है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है बोला है इसने, तो ई वेक्टर को क्रॉस करते हो ना बच्चों आप लोग, ई वेक्टर क्रॉस ऑफ बी करोगे तो आंसर तो यही मिलना है, क्योंकि स्पीड ऑफ ईएम वेव का वही डायरेक्शन होता है जो ई वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। अगर ये प्लस में गया है तो बी को भी कहाँ जाना चाहिए, प्लस में, नेगेटिव में नहीं जाएगा, तो आंसर होगा अपना प्लस में जेड के डायरेक्शन में। इस सेम कंसेप्ट को अपन राइट हैंड स्क्रू रूल से भी सीख सकते हैं बच्चों। ये बना दिए अपन ने तीन एक्सेस, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से ईएम वेव कहाँ भेज रहे हैं अपन, ये अपन भेज रहे हैं आई के डायरेक्शन में, ठीक है। ये जा रहा है बच्चों जे पे, और इधर जाएगा अपना के, तो प्लस का जे प्लस का के अगर इस तरफ पड़ेगा तो ये आई भी मिलने लगेगा अपन को आंसर। जे क्रॉस के कितना होगा, आई होगा, वैसे यहाँ पे हो जाएगा वाई, और ये हो जाएगा प्लस का जेड प्लस का वाई एक्सिस, तो हो जाएगा प्लस का एक्स एक्सिस, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, यहाँ से यहाँ अपन करेंगे तो जे क्रॉस के बराबर किसके आएगा, आई के। इससे भी प्रूफ हो रहा है और यहाँ से प्रूफ हो रहा है, आंसर होगा अपना प्लस में जेड डायरेक्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।